हेलो वेलकम बैक तो चलो मैथ्स के और एम सी लें बदलें डिटर्मिनेंट्स का पार्ट थ्री तो फर्स्ट क्वेश्चन ए इज़ गिवन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एड ज्वाइंट ए तो हमें यार एक पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एट ज्वाइंट ए हमेशा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ए एन की पावर माइनस वन वेयर एन इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एन इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अब ये थ्री बाय थ्री है ऑर्डर क्या हो गया एन अपने पास थ्री तो मेरे पास एडज्वाइंट ऑफ ए क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए थ्री माइनस वन और डिटर्मिनट ऑफ ए का स्केयर तो यार ए का डिटर्मिनेंट क्या है अब वो निकालना पड़ेगा मेरे को अब ए का डिटर्मिनट निकाल लेते हैं एक्सपेंडिंग रो वन पे या कॉलम वन पे बाकी सारे जीरो में एक ही आएगा माइनस टू माइनस टू इंटू माइनस टू फोर माइनस ज़ीरो माइनस एट आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो अब हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा ए का स्क्वायर तो माइनस एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर इज द राइट आंसर तो देख लेते दे, हैं सिक्सटी फोर दिया हुआ है कहीं या नहीं तो ए सिक्सटी फोर इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एट ज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए ए आई इज़ इक्वल टू पी क्यू आर एस अब इसका एडजोइंट ऑफ मैट्रिक्स बताना हमारे पास क्या होगा एट ऑफ मैट्रिक्स पहले तो कोफैक्टर निकाल लें कोफैक्टर मेरे पास क्या आएगा एस माइनस एस आर माइनस क्यू और पी ये आ जाएगा एड क्या होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज तो इसका जब हमने ट्रांसपोज किया तो ये मेरे पास क्या आएगा एस माइनस क्यू माइनस आर और पी तो ये आंसर आएगा एस माइनस क्यू माइनस आर पी कहाँ पर दिया ये ऑप्शन दिया हुआ है तो कोफैक्टर का आगे ट्रांसपोज चलो नेक्स्ट करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थ्री इफ ए इज अ स्केर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री इंटू थ्री सज द ट्रांस डिटरमेंट ऑफ एज टू देन राइट द वैल्यू ऑफ एड ज्वाइंट ऑफ एट ज्वाइंट ऑफ ए अब एड ज्वाइंट ऑफ एड ज्वाइंट ऑफ ए बोला है. तो पहले तो ये अकेला एड ज्वाइंट ऑफ ए इसका क्या आएगा मेरे पास ए का एन माइनस वन अभी थ्री ऑर्डर का है तो ए का थ्री माइनस वन हो गया मेरे पास अब फिर इसका भी दोबारा दिया हुआ है मतलब ए के थ्री माइनस वन स्केयर का फिर से थ्री माइनस वन कर दूं मैं तो अब पहले इसका डिटर्मिंट क्या था टू टू का स्केयर फिर उसका स्केयर तो ये टू की पावर फोर हो जाएगा तो ये सिक्सटीन आएगा कि नहीं आएगा तो क्वेश्चन नंबर थ्री का बी इज द करेक्ट आंसर इफ ए इज अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर लेट मी जस्ट डिलीट दैट इफ़ ए इज स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री सच दैट ए एट ज्वाइंट ए इज इक्वल टू टैन आए देन डिटर्मिनेंट ऑफ एट ज्वाइंट ए इज इक्वल टू इसके लिए अपने को हमें पहले क्या चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू चाहिए उससे फिर हम एट ज्वाइंट की वैल्यू निकाल देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ एट ज्वाइंट तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अब हमें पता है कि ए इंटू एट जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है तो अब अगर हम इसे कंपेयर करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास टेन आ गया इसे कंपेयर करना इस, इसके साथ तो एट ज्वाइंट है ए एट ज्वाइंट है इक्वल टू डर ऑफ ए टेन इंटू आई तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू टेन अब ए का ऑर्डर क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री तो एट जॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए का थ्री माइनस वन तो ये टेन की थ्री माइनस वन इजक्ल टू टेन स्केयर टेन स्केयर बन गई मेरे पास टें क्या होती है हंड्रेड होती है कि नहीं तो देख लेते हैं तो सी हंड्रेड इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फाइव इफ बी इजल टू बी इंटू डि बी इंटू वन माइनस टू वन फोर इज इक्वल टू सिक्स जीरो जीरो सिक्स दिया हुआ है तो मैट्रिक्स बी इज अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बट इजी है अब मैं मैट्रिक्स बी को ए बी सी डी मान लू तो जब मैंने ए बी सी डी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया वन माइनस टू वन फोर इज इक्वल टू सिक्स जीरो जीरो सिक्स आया मेरे पास अब बाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लॉ ए प्लस बी आया पहले वाले पे है ना वन इंटू वन ए प्लस बी सी प्लस डी दूसरे वाले पे माइनस टू ए प्लस फोर बी नीचे वाले पे माइनस टू सी प्लस फोर डी इजिकवल टू सिक्स जीरो जीरो सिक्स तो ये आया है मेरे पास बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो अब मैं इसे इक्वेट कर सकता हूँ ए प्लस बी इजिक्वल टू सिक्स माइनस टू ए प्लस फोर बी इजिक्वल टू जीरो अब ये सारी कितनी इजी हो गई हैं अब तो ये सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन ही बन गई है ना ए प्लस बी आ गया बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी सिक्स माइनस ए इसको हम यहां पुट कर दें तो इसको जीरो के इक्वल करके ए की वैल्यू आ जाएगी तो ऐसे कर सकते हैं तो इसके बाद मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ फोर टू माइनस वन एंड वन यहां पे ऑप्शन बी में यहाँ पे माइनस वन आएगा या फिर यहां पे प्लस वन सो द ऑप्शन आंसर इज ए इज फोर बी इज टू सी इज इक्वल टू माइनस वन एंड डी इज इक्वल टू वन सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फोर टू माइनस वन प्लस वन ओके क्वेश्चन नंबर लेट ए बी थ्री इंटू थ्री मैट्रिक्स वेयर वेयर सच दैट ए ए आई आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एट ज्वाइंट ए अब ये तो बहुत बार कर चुके हैं सिंपल कंपेयर किया ए इंटू एट ज्वाइंट ए को टू आई के साथ तो ये टू क्या आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इजल टू टू तो टू की पावर में थ्री मैट्रिक्स थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है टू का स्क्वायर तो चार आ गया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट तो सिक्स का ए इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवन इफ एक्स वाई जेड आर इंडिविजुअल नंबर अदर देन जीरो देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अब ये क्या है एक्स वाई और जेड ये नॉट इक्वल टू जीरो है सो so, अब इसका इनवर्स इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं एड निकाल लेते हैं और डिटर्मिनेंट निकाल ले यही कर करें डिटर्मिनेंट और एडज्वाइंट निकालें तो चलो पहले इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं एक्स वाई जी का एक्स जीरो 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 वाई जीरो 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 जेड अब इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं क्या बनता है तो रो वन या कॉलम वन पे एक्सपेंड करूं तो एक्स वाई जेड माइनस जीरो तो ये एक्स वाई जेड मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गया अब मैं एडज्वाइंट भी निकाल लूं इसी का अब इसको यहीं पे रखते हुए इसका एडजॉइंट देखो एडजॉइंट क्या होता है कोफैक्टर्स देख लूँ सबके मैं इसका कोफैक्टर क्या आएगा पहले वाले का मेरे पास वाई जेड इसका जीरो हो जाएगा इसका भी जीरो तो ये ऐसे चलता है ना मैंनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस तो सबके कोफैक्टर्स प्लस वाले ही हैं तो यहाँ पे भी जीरो रखा मैंने इसका को फैक्टर क्या आ गया मेरे पास अब एक्स जेड और इसका मेरे पास क्या आ गया एक्स वाई तो ये मेरे पास सभी को फैक्टर्स आ गए अब वन अपॉन डिटर्मिनेंट इन टू को फैक्टर तो इसके नीचे मैं डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दूं अब मैं इसको सबको अंदर ले जाऊँ तो ये मेरे पास क्या बन गया जब मैंने वन अपॉन डिटर्मिनेंट इन टू एड किया तो ये मेरे पास क्या बन गया वाई जेड वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड जीरो 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 ये बना एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड ज़ीरो 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 और ये लास्ट वाला बना मेरे पास एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड तो ये एक्स वाई एक्स वाई कैंसिल हो गया यहाँ से यहाँ से एक्स जेड एक्स जेड कैंसिल यहाँ से वाई जेड वाई जेड कैंसिल तो ये मेरे को क्या देता है वन अपॉन एक्स उसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स इनवर्स लिख सकता हूँ ज़ीरो 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 इसको मैं वाई इनवर्स ज़ीरो ज़ीरो और इसको में फाइनल में जेड इनवर्स तो इसका मेरे पास क्या आ गया इनवर्स पूरे का एक्स इनवर्स वाई इनवर्स और जेड इनवर्स डायगनल में तो देखो कहीं दिया है हाँ जी एक्स इनवर्स वाई इनवर्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं आप इफ ए स्क्स ए प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू जीरो ढूंढना है का दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं इनवर्स के साथ है हाँ ना इधर को जीरो के साथ करूंगा वो तो जीरो ही देगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा इन्वर्स आ जाएगा मेरे पास एक जगह तो बोथ को प्री मल्टीप्लाई जब किया मैंने इनवर्स के साथ देखो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जब इनवर्स तुम्हें नहीं दिया कैसे ढूंढोगे ए की तुम्हें वैल्यूज़ भी नहीं दी हुई कैसे ढूंढोगे तो ए इन्वर्स ए स्क्वायर माइनस ए इन्वर्स ए प्लस ए इनवर्स आई इज इक्वल टू तो ज़ीरो बन गया मेरे साथ मैंने इस पूरे को ए इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई किया था जब इसमें से ए स्केर में से मैं एक ए इनवर्स और ए ले लूँ और एक ए छोड़ देता हूँ और ए इनवर्स ए पता है सबको आई होता है और ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय आई फिर से इनवर्स होता है इजिक्वल टू तो ज़ीरो आ गया तो ये मेरे पास क्या बना फिर से आई बना आई ए माइनस आई प्लस ए इवर्स इजिक्वल टू जीरो आया मेरे पास अब आई ए फिर से मेरे को क्या दे देगा ए दे देगा तो ए माइनस आई प्लस ए इनवर्स इक्वल टू जीरो है ए इनवर्स की वैल्यू यहां से मेरे पास क्या आएगी ये मुझे आई माइनस ए दे देगा तो ये मेरी एक ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है तो क्या मैं चेक करूं यहां पे कहीं दिया हुआ है यानी ये ऑप्शन बी पे दिया हुआ है ऑप्शन बी आई माइनस ए सो बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इफ ए इज इक्वल टू वन टेन एक्स माइनस टेन एक्स देन द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज ए इनवर्स इज वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज ए इनवर्स इज ओके तो मेरे को एक ए ट्रांसपोज चाहिए और दूसरा मेरे को चाहिए ए इनवर्स तो ए ट्रांसपोज क्या आया मेरे पास सबसे पहले वो मेरे पास आया वन माइनस टेन एक्स टेन एक्स वन अब ए इनवर्स ढूंढते हैं ए इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ले लेता हूं मैं तो वन इंटू वन वन माइनस टेन स्केयर टेन स्केयर और ये माइनस था तो प्लस हो गया वन प्लस टेन स्केयर एक्स क्या दे देगा मेरे पास सीकेंड स्केयर एक्स दे देगा अब मुझे चाहिए इनवर्स ढूंढने के लिए एड ऑफ ए और मेरे को पता है एड क्या होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज तो इसके जब मैं कोफैक्टर निकालूं इस चीज के मेरे को इसका कोफैक्टर क्या मिलेगा यहाँ पे कोफैक्टर मुझे इसका फिर से वन माइनस टेन एक्स बिकॉज प्लस वन था वन प्लस वन है प्लस माइनस यहाँ पे नीचे टेन एक्स दिया हुआ है माइनस टेन एक्स था तो फिर से टेन एक्स आ जाएगा यहाँ पे फिर यहाँ पे माइनस टेन एक्स बिकॉज यहाँ माइनस टेन एक्स था तो प्लस टेन एक्स का माइनस टेन एक्स और यहाँ पे वन तो ये मेरे को, को फैक्टर आ गया अब इसको फैक्टर का ट्रांसपोज कर देता हूँ मैं फिर से तो मुझे को फैक्टर का ट्रांसपोज ये दे देगा वन माइनस टेन एक्स टेन एक्स वन तो ये मेरे पास एड ज्वाइंट आ गया अब इस एड ज्वाइंट से मैं डिटर्मिनेंट को कर देता हूँ वन बाई डिटर्मिनेंट तो वन बाई सीक्वेंट केयर एक्स वन माइनस टेन एक्स टेन एक्स वन तो ये मुझे क्या देगा अंदर जाके कॉस्केयर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अब मैं उसको सीकेंड को कॉस में कन्वर्ट कर दिया सीधा अपॉन साइन एक्स और यहां पे कॉस्केयर एक्स तो ये आ गया मेरे पास ए इनवर्स अब इसके सामने क्या लगा हुआ था ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या है वन माइनस टेन एक्स टेन एक्स वन मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सब कर करके मेरे पास कॉस टू एक्स माइनस साइन टू एक्स प्लस साइन टू एक्स और कॉस टू एक्स आएगी इसकी फाइनल वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करके फिर हम बेसिक्स ये आइडेंटिटी लगा देंगे कॉस्केयर कॉस टू एक्स वाली कि वो होती है कॉस्केयर एक्स माइनस साइंस केयर एक्स जो मुझे यहाँ पे देगा वो यहाँ पर कॉस्केयर एक्स माइनस साइंस केयर एक्स ओके और एक आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी साइन एक्स कॉस एक्स तो वो होता है साइन टू एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन साइन टू एक्स तो इसका आंसर आएगा ए कॉस टू एक्स माइनस साइन टू एक्स साइन टू एक्स कॉस टू एक्स क्वेश्चन नंबर टेन द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज अब प्रॉपर्टी होती है ए इनवर्स का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज का इनवर्स तो ये दिया हुआ है कहीं ऑप्शन ए ही दिया हुआ है तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन इफ ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज़ अब उन्होंने बोला ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए A, A inverse अगर मैं करूंगा तो वो मेरे को आइडेंटिटी देगा इतना पता है देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू दोनों साइड का डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ अब भाई प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अकेले अकेले कर सकता हूँ ए का डिटर्मिनेंट इनवर्स का डिटर्मिनेंट सॉरी इनवर्स का डिटर्मिनट मटे और आई का डिटर्मिनेंट तो वन होता है हम सबको पता है तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या हुआ वो हो गया वन पॉन ए का डिटर्मिनंट और हमें पता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए का डिटर्मिनेंट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या हुआ वन डिटरमिनेंट ऑफ ए तो इलेवेंथ का इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन इज़ अब सिंगुलर मैट्रिक्स पता है हमें सिंगुलर मैट्रिक्स उसके प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स यूज करते हुए तो एज ए इज सिंगुलर तो एट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है जीरो तो हमें यह भी पता है आप पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे ए इंटू एट ज्वाइंट ए वो होता है इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई आई तो अगर यहां पे ये जीरो है तो ए इंटू एट ज्वाइंट ऑफ ए क्या हो गया जीरो हो गया ना तो नल मैट्रिक्स आया कि नहीं सो इट इज अ नल मैट्रिक्स तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखते हैं यूजिंग मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेश फाइव एक्स माइनस सेवन वाई सेवन माइनस सेवन एक्स माइनस फाइव इजल टू थ्री द वैल्यू ऑफ़ एक्स वाई तो देखो मैट्रिक्स मेथड मेरे को क्या बताता है कि ए इन टू एक्स इजगल टू बी होता है ए को मैं मान लू फाइव माइनस सेवन और सेवन माइनस फाइव यहाँ पर मैं ले लूँ एक्स और वाई तो मेरे को एक बी की वैल्यू दे देगी जो मेरे पास आ जाएगा क्या थ्री कॉमा टू कोमा थ्री है ना तो एक्स वाई की वैल्यू ढूंढने के लिए मेरे को क्या चाहिए ये ए है तो एक्स क्या हो जाएगा बी अपॉन ए है ना नीचे चला गया और एक्स क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी हो जाएगा ना वो बेसिकली प्री मल्टीप्लाई होता होता है इनवर्स है ना तो अब हमें पता है कि हमें ए इनवर्स ढूंढना है बट देखो ये उन्होंने बोला मैट्रिक्स मेथड ये सब्जेक्टिव पेपर तो नहीं है बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव पेपर है तो मैं इसको जैसे मर्जी निकालूँ अगर अगर इस मेथड से करना है तो पहले इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा फिर उसका एड निकालना पड़ेगा एड अपॉन एड ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए उसको फिर बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना तो फिर एक्स वाई की वैल्यू आएगी तो इससे अच्छा यार इसको ले लो फाइव एक्स माइनस सेवन वाई इजिक्वल टू टू ट्रिक बता रहा हूँ देखो बेसिकली मैं और इसको ले लो सेवन एक्स माइनस फाइव वाई इजिक्वल टू थ्री इसको मल्टीप्लाई कर दिया सेवन uh, से इसको मल्टीप्लाई कर दिया फ़ाइव से तो ये एक्स एक्स हमारे इक्वल आ जाएंगे और हम वाई निकाल देंगे है ना सिंपल सी तो इक्वेशन है एक्स वाई की इन टू वेरिएबल्स से वन ऑर्डर की टू वेरिएबल में इक्वेशन है एक्स वाई एलिमिनेट कर देंगे उससे भी मेरा आंसर आ जाएगा तो यहाँ तो ऐसे कर सकते हैं या हम एट डिटर्मिनेंट और ये इनवर्स निकाल लिया एक्स इजक्ल टू ए इनवर्स बी करके आंसर निकाला तो मेरा आंसर आएगा दोनों के तरीकों से एक सेम ही x एक् एक् टू इलेवन बाई ट्वेंटी फोर और वाई इजल टू वन बाई ट्वेंटी फोर सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन इफ़ द वैल्यू ऑफ अ थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ अ थर्ड ऑर्डर ऑफ अ डिटर्मिनेंट तो इसका क्या मतलब है कि ए है एक थ्री ऑर्डर का और डिटर्मिनेट ऑफ ए इजल टू ट्वेल्व है देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट बाईट्स को फैक्टर इज अब जब ईच एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस किया तो मतलब वो एडजोइंट ऑफ ए बन गया मेरा अब एडजोइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है वो होता है ऑर्डर तो ट्वेल्व थ्री माइनस वन ट्वेल्व का स्केयर वन फोर्टी फोर आ गया सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फिफ्टींथ इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस देन अब दोनों ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट ए भी एग्जिस्ट करता है डिटर्मिनेंट बी भी एग्जिस्ट करता है तो अब मेरे को पता है कि ए एट ज्वाइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है है ना तो एट ज्वाइंट ए क्या हो जाएगा इधर जाके वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ए इनवर्स तो पहला तो ट्रू है नॉट करेक्ट पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनट ऑफ ऑफ डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स ट्रू है ए बी इनवर्स इज टू बी इनवर्स ए इनवर्स ये भी ट्रू है बट ये कभी ट्रू नहीं होता ए प्लस बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन मतलब डी नॉट करेक्ट है इसीलिए ये करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इफ ए इज एन वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री एंड डिटर्मिनट ऑफ ए इज थ्री फाइव देन द फाइंड एट ज्वाइंट ए सिंपल डिटर्मिनेंट ऑफ ए का थ्री की पावर माइनस वन फाइव का स्केयर इतनी बार तो कर चुके हैं हम ये तो सी ट्वेंटी फाइव इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इफ़ ट्रेस ऑफ द नॉट ट्रेस 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 ऑफ द मैट्रिक्स मेट्रिक द वैल्यू जीरो ट्रेस क्या होता है मेरा डायगनल एलिमेंट होता है कि नहीं होता है है ना तो पूरे डायगनल्स का सम होता है ना ट्रेस तो डायगनल सारे लिख लेते हैं एक्स माइनस फाइव प्लस एक्स स्केयर माइनस टेन प्लस एक्स माइनस सेवन माइनस टू टू जीरो एज्यूम कर रहा है तो एक्स की वैल्यूज क्या हो सकती हैं मेरे पास तो ये मेरे पास एक्स स्केयर माइनस फाइव माइनस टेन माइनस सेवेंटीन माइनस तो ये मेरे पास टोटल क्या आ जाएगा एक्स केयर प्लस टू एक्स 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 माइनस ट्वेंटी फोर इजिकल टू जीरो मिडल टर्म्स स्प्लिट कर लूँ इसकी में सम आना चाहिए टू और प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस ट्वेंटी फोर तो प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स क्यों प्लस सिक्स माइनस फोर प्लस टू और प्लस सिक्स माइनस फोर माइनस ट्वेंटी फोर तो ये सॉरी वन एक्स प्लस सिक्स माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स ले लिया दोनों साइड से कॉमन तो यहाँ बच गया एक्स माइनस फोर तो एक्स या तो माइनस सिक्स या तो प्लस फोर ये दो आंसर आ रहे हैं तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एटीन इफ ए इज अ स्क्यर मेट्रिक्स बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर दोनों स्केयर मैट्रिक्स हैं टू बाय टू ले लो थ्री बाय थ्री ले लो तुम्हारी मर्जी है ना देन फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर एन ए इनवर्स बी ए एन तुमने बोला है फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर ए इनवर्स बी ए की पावर एन इज इक्वल टू तो एन पॉजिटिव इंटीजर है कोई एन की वैल्यू टू से स्टार्ट करते हैं बिकॉज वन पे हमें पता नहीं चल रहा है क्या बनेगा ना अब हमें पता है स्केयर मैट्रिक्स है तो ए बी एग्जिस्ट करेगा बिकॉज सेम ऑर्डर के हैं थ्री बाय थ्री का ले लो दोनों या टू बाई टू का ले लो तो एग्जिस्ट करेंगे ए बी और बी भी अगर टू बाई टू है तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो चलो इसको देखते हैं तो जब हमने एन की वैल्यू टू ले ली तो ये मेरे पास क्या बना ए इनवर्स बी ए की पावर टू बन गया तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इनवर्स बी ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बी ए ये बेसिकली स्केयर हो गया ना स्केयर को मैंने दोनों सिंगल सिंगल में लिख लिया है तो अब ये देखो इनको अलग करते हैं इनको दोनों को अलग करते हैं और इन दोनों को अलग करते हैं तो ये मेरे पास क्या बना ए इनवर्स बी ए ए इनवर्स और बी ए बना तो ये क्या बन गया मेरे पास ये आ गया ए इनवर्स बी एस ई ये मेरे पास क्या आ जाएगा आई आ जाएगा ये आई इंटू बी ए आ गया अब मेरे को पता आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो ए इनवर्स बी इंटू बी इनवर्स ए आ जाएगा तो ये ए इनवर्स बी इन टू बी इनवर्स ए आ गया फिर से तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए इनवर्स और ए को साइड पे रखूं मैं अगर तो ये बी 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 स्केयर बना और ये ए बना तो जब मैंने एन की वैल्यू ऑफ थ्री ले लूं तो ए इनवर्स बी ए का क्यूब तो इसको मैं लिख सकता हूं ए इनवर्स बी ए का स्केयर इनटू ए इनवर्स बी ए और ये स्केयर वाले की क्या वैल्यू आई थी मेरी अब ए स्केयर वाले की वैल्यू ये आई थी इसकी जगह ये लिख लूँ एनवर्स बी स्केयर ए इंटू ए इनवर्स बी ए लिख लूँ फिर से इन दोनों को कम्बाइन कर दिया तो ये मेरे पास दोबारा से क्या बन गया ए इनवर्स बी स्केयर ए ए क्या बना आइडेंटिटी और ये क्या बना बी ए तो ये क्या आया ए इनवर्स बी का क्यूब बिकॉज ये आई हट के बी और बी मल्टीप्लाई करूंगा और फिर से ए तो मेरे को पता है जब भी मैं ए इनवर्स बी ए की पावर एन लेता हूं तो वो मेरे पास इनवर्स बी की पावर एन ए आता है तो ये ट्रू है तो अब देखते हैं ये मेरे को कहां पे ऑप्शन में दिया गया है इनवर्स बी की पावर एन ए तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वेशन ए बी इज इक्वल टू ए सी वी सी दैट बी इज इक्वल टू सी प्रोवाइडेड ए इज़ सपोज करके चलो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑप्शन डी लेके चलते हैं तो ए इनवर्स बी एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लूँगा अब ये क्या बन गया आइडेंटिटी बी इजकल टू सी तो ये b इज इक्ल टू सी मेरा कब आ रहा है जो इसमें दिया हुआ है प्रोवाइडेड है जब a इनवर्स इनवर्स एग्जिस्ट करता हो और a इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा जब a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो d इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखो ये क्वेश्चन ऐसे से ही आने ट्रिक इसमें सेम सिमिलर सिमिलर लगनी है तो हम ध्यान दे सकते हैं कि बस ऐसे सिमिलर से क्वेश्चन आने तो इसकी ट्रिक क्या है लेट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है देन ट्रेस ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ट्वेंटी ए माइनस ए ट्रांसपोज अब हमें पता ही यार ट्रांस ट्रेस क्या होता है ये डायगनल एलिमेंट्स और डायगनल एलिमेंट्स कभी भी ट्रांसपोज में नहीं निकलते डायगनल एलिमेंट्स तो वहीं रहेंगे अगर ट्रांसपोज भी कर दें तो जब हम ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो डायगनल एलिमेंट ज़ीरो आने चाहिए आने चाहिए कि नहीं तो यहाँ पे कहीं a माइनस ए ट्रांसपोर्ट जीरो तो नहीं दिया हुआ तो ये और ये ऑप्शन के तो मैं a प्लस ए ट्रांसपोर्स देख लूँ तो a प्लस ए ट्रांसपोर्ट छोड़ो तुम यही देख लो फाइव फोर प्लस फाइव प्लस वन टेन होता है तो जब इसमें दोबारा यही डायगनल एलिमेंट्स ऐड कर दिए फोर प्लस फाइव प्लस वन दोबारा से टेन तो ट्राइस ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट ट्वेंटी ही आएगा ना मेरे पास बिकॉज ये डायगनल जब ट्रांसपोज भी कर दिया डायगनल एलिमेंट्स तो वहीं रहने वाले हैं तो सीधा ए विदाउट एनी कैलकुलेशन ट्रिक क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इफ ए इज इक्वल टू थ्री जीरो माइनस वन टू थ्री जीरो जीरो फोर वन देन एड ऑफ एड ऑफ ए तो पहले तो मेरे को पता है एड ऑफ एड ऑफ ए। ज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का एन माइनस वन इसका क्या हो जाएगा फिर से इसकी पावर एन माइनस वन तो ये थ्री ऑर्डर है ये हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्केयर उसका भी जिकियर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर फोर ये होगा इसका हमारा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें ए का डिटर्मिनट मेरे पास क्या आएगा एक्सपेंडिंग रो वन पे करते हैं थ्री थ्री माइनस जीरो जीरो माइनस है प्लस माइनस वन फोर टू एट नाइन माइनस एट वन आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन है तो वन की पावर फोर वन ही होगा तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर थ्री इन टू थ्री वे ए गिवन है और बी गिवन है इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन ट्रेस ए प्लस बी इज इक्वल टू अब ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मतलब ए का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अब जीरो अब निकाल सकते हैं हम यहां से या तो रो वन यहाँ कॉलम वन पे एक्सपेंड कर लेते हैं इसको इक्वल टू ज़ीरो बुट करके तो यहाँ से लैमडा की वैल्यू निकल आएगी अब मैं ये स्टेप स्किप कर रहा हूँ सीधा तो मैं लैमडा की वैल्यू बता देता हूँ लैमडा की वैल्यू मेरे पास आ रही है थ्री तो ए क्या मेरे पास बन गया वन थ्री जीरो टू माइनस वन वन थ्री टू वन ठीक है और बी भी दिया हुआ है तो ए प्लस बी कर लेते हैं तो ए प्लस बी जब हमने ऐड किया उसके बाद हमने इसका ये डायगनल मैट्रिक्स देखना है थ्री प्लस वन फोर होगा डायगनल में टू माइनस वन वन होगा फोर प्लस वन फाइव होगा तो ये तो यहाँ पे निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी ये तो ट्रिक होगी मैंने भी सॉल्व कर दिया ट्रिक ही थी बिकॉज ट्रेस के लिए तो तुम्हें सिर्फ बीच वाले चाहिए थे ना ट्रेस ऑफ ए प्लस बी तो बीच में तो फाइव वन फोर आ रहा है तो ट्रेस क्या हो गया टेन के इक्वल हो गया तो डी टेन इज़ द राइट ऑप्शन कभी कभी ना पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं टाइम बहुत सेव होगा ऐसे में क्योंकि इसमें तो मेरे को लैमडा की वैल्यू निकालने की जरूरत ही कोई नहीं थी जब ट्रेस ही ढूंढना है तो मेरे को तो सिर्फ डाइगनल एलिमेंट्स चाहिए थे दोनों के दोनों के डायगनल दिए हुए थे मेरे को क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू देखो ये तो पता है ये तो ट्रू है हमने जाना हुआ है बी भी करेक्ट है क्या ए का इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स हो सकता है ए इनवर्स इज इक्वल टू वन बाई डिटर्मिनेट ऑफ ए ये यार एक रियल नंबर है रियल वैल्यू है ये एक डिटर्मिनेंट और ये एक मैट्रिक्स है मैट्रिक्स कभी रियल वैल्यू के इक्वल होगा नहीं होगा ना तो ये सी तो सिंपल सी बात है कि ये सी कभी ट्रू ही नहीं हो सकता अगर तुम्हें पहली दोनों प्रॉपर्टीज नहीं पता थी तो तुम्हें ये तो पता होगा ना कि डिटर्मिनेट ऑलवेज एक रियल वैल्यू होती है एक रियल वैल्यू एक के कैसे इक्वल हो सकती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इफ ए इज गिवन देन थर्टीन इंटू ए इनवर्स इक्वल्स अब ए इनवर्स क्या होता है वो है वन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लें क्या बना इलेवन फिफ्टी फाइव माइनस फोर्टी टू थर्टीन आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया थर्टीन अब एडजॉइंट क्या बनेगा एडजॉइंट बनेगा फैक्टर का ट्रांसपोज तो वो मेरे को क्या आ जाएगा इलेवन फाइव माइनस थ्री माइनस फोर्टीन ये आ गया कोफैक्टर का ट्रांसपोज आट ज्वाइंट ए तो अब मेरे पास ए इनवर्स आ जाएगा ए इनवर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं वन बाय थर्टीन इलेवन माइनस थ्री माइनस फोर्टीन और फाइव और थर्टीन ए इनवर्स क्या आएगा यहां पे भी थर्टीन मल्टीप्लाई कर दें यहां पे भी थर्टीन तो थर्टीन ए आ गया बेसिकली मेरे पास इलेवन माइनस थ्री माइनस फोर्टीन और फाइव जो कि एट ज्वाइंट ऑफ ए के ही इक्वल है तो एट ज्वाइंट ऑफ ए सी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव फॉर द सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस लैमडा एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड एक्स प्लस लेमडा वाई थ्री एक्स वाई प्लस फाइव जी इज इल टू डू द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द इक्वेशन डज नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन कब नहीं होगा पहले तो हम यहाँ पे ए बनाते हैं हमारे पास क्या बनेगा ए मेरे पास बनेगा लैमडा माइनस थ्री जेड वन लैमडा थ्री थ्री वन फाइव तो ये मेरे पास ए आ गया इसके साथ मेरे को एक्स वाई जी दिया हुआ है एक और जिसकी वैल्यू मेरे को दी हुई है जीरो बी में ज़ीरो वन और टू तो फॉर नॉट अ यूनिक सोल्यूशन नॉट अ यूनिक सोल्यूशन कब होगा मेरे पास जब मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा ए सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए यूनिक सोल्यूशन कभी नहीं होता इक्वेशन का तो ये हमने इंपॉर्टेंट टिप है ये याद रखनी है तो ए का ज़ीरो कब होगा डिटर्मिनेंट तो इससे हम लैमडा की वैल्यूज निकाल पाएंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं लैमडा माइनस थ्री टू वन लैमडा थ्री थ्री वन फाइव इजिकवल टू ज़ीरो तो यहाँ से अब अभी हम लैमडा निकाल लें अब मैं सीधा इक्वेशन लिखूंगा लैमडा की जो मैंने की फ़ाइव लैमडा स्क्यर माइनस सिक्स लैमडा माइनस इलेवन इजिक्वल टू जीरो यहाँ पे रो वन पे एक्सपेंड करके मेरे पास ये आ जाएगी इक्वेशन मिडल स्प्रेट्स टर्म लगा लेते हैं तो मेरे पास लैमडा की वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे फिफ्टी फाइव और सिक्स चाहिए तो इलेवन और फाइव ही होगा है ना तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइव लैमडा स्केयर माइनस प्लस फाइव लैमडा माइनस इलेवन लैमडा माइनस इलेवन इजिक्वल टू जीरो तो ये मेरे पास यहाँ तो आ जाएगा लैमडा इलेवन अपॉइंट फाइव यहाँ आएगा लैमडा मेरे पास माइनस वन तो ये दो वैल्यूज के लिए लैमडा के मेरे पास इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा तो माइनस वन इलेवन अपॉन फाइव सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन तो देखो काफ़ी इजी है डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस करना है ना और ऐसे ही एक बार हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारा फूल प्रूफ प्लान से डिटर्मिनेंट्स हो जाए तो आई एल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो